अब आपके लिए लेकर आए हैं एक मिनट में एक खबर, केवल 60 सेकंड में देखिए दुनिया की खबरें। इसराइल की सेना के मुताबिक हमास ने 2 रॉकेट दागे हैं। हमास के हमले में 2 लोग जख्मी हुए हैं। बड़ी बात यह है कि मंगलवार को ही खाड़ी देशों और इसराइल के रिश्तों में एक नई शुरुआत हुई है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में हुए समारोह में यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के तहत खाड़ी के इन दोनों प्रमुख देशों ने इसराइल के साथ रिश्तों को पूरी तरह सामान्य करते हुए उसे मान्यता दे दी है। समझौते को अब्राहम संधि का नाम दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐतिहासिक समझौते को नए मिडिल ईस्ट का आगाज बताया है, लेकिन जिस वक्त यह समझौता हो रहा था करीब करीब उसी वक्त हमला किया गया। हालांकि हमास ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। धू धू कर जलता जंगल स्पेन की मुसीबत बना हुआ है। उत्तरी स्पेन के ग्लेशिया में मंगलवार को एक बार फिर आग बेकाबू होने लगी। तेज हवाओं की वजह से आग बुझाने की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। बताया जा रहा है कि आग की वजह से 6,700 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। आग बुझाने के लिए स्पेनिश मिलिट्री यूनिट के 121 कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं, तो वहीं दमकल की 42 गाड़ियां भी लगाई गई हैं। वर्ष 2019 में स्पेन के कैनेरिया द्वीप में इसी तरह आग बेकाबू हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब आग की वजह से 5,000 से ज्यादा पर्यटक फंस गए थे, और अब 2020 में एक बार फिर आग स्पेन के लिए मुसीबत बन रही है। अब आप 60 सेकंड में समझिए कि कैसे सुपर पावर अमेरिका इस समय 2 त्रासदियों से गुजर रहा है। अमेरिका का एक हिस्सा आग की लपटों में जल रहा है, तो वहीं एक हिस्से में पानी मुसीबत की वजह बना हुआ है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने से पिछले महीने कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री और फायर प्रोटेक्शन के अनुसार आग से राज्य में 32 लाख एकड़ जमीन जल गई और 4,000 स्ट्रक्चर जलकर नष्ट हो गए। सैन फ्रांसिस्को के उत्तर पूर्वी हिस्से में आग यहां रहने वाले कई समुदायों के लिए खतरा पैदा कर रही है। तेज हवाओं के साथ ये आग पर्वतीय क्षेत्र और सूखे इलाके के 25 मील क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। वहीं तूफान सैली 85 मील प्रति घंटे की हवा की गति के साथ उत्तर खाड़ी तट की ओर बढ़ रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये घातक तूफान में तब्दील हो सकता है। ये तूफान के साथ बारिश और 2 फीट तक बाढ़ ला सकता है। साली तूफान के मद्देनजर लुइजियाना, मिसिसिपी और अलबामा में सोमवार को इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.